हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी अडा। फ्रेंड्स, हमारा जो सबको पता है कि कंजंक्शन टॉपिक ख़त्म हो चुका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके बाद एक और टॉपिक है, वो है इंटरजेक्शन। लेकिन इंटरजेक्शन के अलग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। उसके क्वेश्चंस या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही पूछे जाते हैं, या फिर टेंस, वॉइस और नरेशन में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटरजेक्शन को हम उन्हीं के साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, कंजंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने आप को जज करने के लिए, अपने कितने नंबर आए हैं चेक करने के लिए। मैं ये टेस्ट लाइव लेकर आने वाली थी, लेकिन हमारा बीच का एक पार्ट जो है, अभी जो एक वीडियो है वो भी लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे ये रिकॉर्डेड रखना पड़ रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोग, मैं जो भी क्वेश्चंस पूछती हूँ उन क्वेश्चन के आंसर, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर देना, अपने मार्क्स लिखते जाना और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं इस पेपर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हाँ, हमारा जो टेस्ट है, जो MCQs है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी टीम ने आपके लिए कुछ ऑनलाइन टेस्ट तैयार किए हैं। टोटल 80 ऑनलाइन टेस्ट हैं। ठीक है, जो आपको अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट www.pscadda.com पर। ये आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और मात्र 400 रुपये में आपको ये टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही जो ये टेस्ट जो हैं, ये सारे ही टेस्ट, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट इंग्लिश के लिए हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट संस्कृत के लिए है और 60 टेस्ट जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं। ये टेस्ट सारे ही आपको हिंदी में उपलब्ध हैं, मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाकी की जो टेस्ट हैं वो आपको हिंदी में उपलब्ध हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पर टेस्ट रहेगा और इसकी जो समय सीमा है, एक टेस्ट की समय सीमा 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की है। इनमें से कुछ विशेष टेस्ट का सॉल्यूशन हम वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी अड्डा को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको अगर इन टेस्ट को परचेज़ करने में या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इस नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9131052287, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इन सारे टेस्ट में से कौन से टेस्ट का जो है सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रही हूँ। बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे कंजंक्शन पर बेस्ड हैं। ठीक है, आपको ये, आपको ये सेंटेंस दिया गया है, स्केसली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। ठीक है, आपको ये सेंटेंस दिया गया है। अब इस सेंटेंस में आपको करना क्या है, इस सेंटेंस में आपको ये बताना है, इस सेंटेंस को देखिए, हमने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। स्केसली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो इसमें से ये बताइए कि इस सेंटेंस के इन 4 पार्ट्स में से कौन से पार्ट में एरर है। स्केसली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, बताइए इन 4 पार्ट्स में से कौन से पार्ट में एरर है। एरर का मतलब ये है कि कौन सा पार्ट गलत है। कल मैंने आपको स्केसली, हार्डली, नो सुनर, मतलब कि जो भी जोड़े में बनते हैं ना, वो सारे ही पेयर में बनने वाले टेस्ट, पेयर में बनने वाले कंजंक्शन आपको बताए थे, उनका यूज़ कैसे किया जाता है ये भी बताए थे। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। चलिए, आपने सोच ही लिया होगा अपने मन में, तो अब मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको स्केसली, हार्डली और नो सुनर का यूज़ बताया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी। क्या बोला था कि ये वाले जो सेंटेंस हैं ये हमेशा पास्ट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट में यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे एंटर्ड है और यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है। पर इनके साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जब भी ये वाले वर्ड्स शुरू में यूज़ किए जाएंगे, किसी भी सेंटेंस के शुरू में हार्डली, स्केर्सली या नो सूनर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ पे हम इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। या तो हम वहाँ पे हेड का यूज़ करेंगे या वहाँ पे हम डिड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, स्केर्सली के बाद डायरेक्ट ही का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए स्केर्सली डिड ही। ठीक है, या तो स्केसली डिड ही होना चाहिए, नहीं, स्केसली डिड ही नहीं, स्केसली हेड ही,
ठीक है। यहाँ पे स्केसली डिड का यूज़ नहीं होगा, हेड का यूज़ क्यों होगा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जहाँ पे भी हम डिड का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं उसके बाद में, तो यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म का यूज़ किसके साथ किया जाता है, हेड के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हेड है, यहाँ पे जो एंटर्ड है वो हेड के लिए रखा गया है, इसलिए स्केसली और ही के बीच में क्या आएगा, हेड का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। स्केसली हेड ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। मतलब कौन से पार्ट में एरर है या कौन से पार्ट में मिस्टेक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, उसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनलेस यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम जो मैंने जो भी कहा तुम उस पर अटेंशन पे नहीं करोगे, तुम सक्सीड नहीं हो सकते, सक्सीड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए कि इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। इसमें भी ये जो सेंटेंस है इसके देखिए चारों पार्ट, चार पार्ट में आपको तोड़ कर दिया हुआ है इसमें भी, ठीक है। अनलेस यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट आई से या यू विल नॉट सक्सीड, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए इसमें से फर्स्ट देख लेते हैं, अनलेस, अनलेस में तो कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि अनलेस तो यहाँ पे है ही सही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डू नॉट पे अटेंशन, मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी हम अनटिल, अनलेस जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, अनलेस जो है वो क्या बताता है, उसमें ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब हम वैसे ही वो नेगेटिव वर्ड यूज़ करें तो फिर उसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। तो पार्ट कौन से पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, अनलेस यू पे अटेंशन, यहाँ से हम डू नॉट को बिल्कुल रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में एरर है, मतलब सेकेंड पार्ट में क्या गलती है, यहाँ पे अनलेस के साथ डू नॉट का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस यू पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड, कि जब तक तुम मैंने जो भी कहा तुम उस पर अटेंशन पे नहीं करते हो, उस पर ध्यान नहीं लगाते हो, तुम सक्सीड नहीं हो सकते, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको सही ऑप्शन फिल करना है। यहाँ पर they are poor happy, they are poor since happy, they are poor because happy, they are poor but happy, they are poor then happy, बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर सिंस का यूज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिंस का मतलब क्या होता है, चूँकि, ठीक है, तो वो गरीब है चूँकि खुश है, इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है। बिकॉज़ का मतलब होता है क्योंकि, तो देखिए दे आर पुअर बिकॉज हैप्पी, वो गरीब है क्योंकि खुश है, तो ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा कि वो गरीब है क्योंकि खुश है। क्या कोई खुश होने से गरीब हो सकता है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर पुअर बट हैप्पी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, कि वो गरीब हैं लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। तो दे आर पुअर, वो गरीब हैं लेकिन खुश हैं, तो ये हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट आंसर। आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इनकरेक्ट आंसर बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम में करेक्ट इनकरेक्ट आता है तो उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप करेक्ट की जगह इनकरेक्ट की जगह आप वहाँ पे करेक्ट देख लें और गलत करके आ जाएं, ठीक है। देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट आंसर, कनेक्टर्स जॉइन टुगेदर, कनेक्टर्स जो होते हैं, कनेक्टर्स मीन्स क्या, कनेक्टर्स मीन्स कंजंक्शन। तो कंजंक्शन किन चीज़ों को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को, क्या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, क्या वर्ड्स को जोड़ते हैं, क्या फ्रेजेस को जोड़ते हैं, और क्या प्रेपोजिशंस को जोड़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेंटेंसेस, जो कि बिल्कुल सही है। कनेक्टर्स जो होते हैं कंजंक्शन, वो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है वर्ड्स, दो वर्ड्स को भी, जैसे कि सेंटेंसेस को कैसे, जैसे कि राम, जैसे अभी हमने देखा था कि दे आर पुअर बट दे आर हैप्पी, है ना, कि वो गरीब हैं लेकिन खुश हैं, तो दो सेंटेंसेस को उसने जोड़ा। दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो राम को जोड़ा और श्याम को जोड़ा, वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। क्या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, जैसे कि योर ब्रदर एंड माई सिस्टर आर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे योर ब्रदर क्या है, एक फ्रेज है,
अब फ्रेज़ क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये जब मैंने शुरू में वीडियो डाले थे, आप वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो जो है हमारे ग्रामर के, उनमें आप देख सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और फ्रेज़ में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको उनमें समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस से नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं क्या, दो प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, प्रेपोजिशन को नहीं जोड़ते हैं। कनेक्टर्स जो हैं या कंजंक्शन जो हैं वो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो प्रेपोजिशन को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद कंजंक्शन। आपको सही कंजंक्शन इसमें फिल करना है। हमारा सेंटेंस है, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। देखिए, उसने अपना बिल पे नहीं किया इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट, आइदर, अनलेस या एज। देखिए, बट का मतलब हो तो होता है लेकिन, ठीक है, तो लेकिन का यूज़ यहाँ पे हम क्यों करेंगे, लेकिन उसने अपना बिल पे नहीं किया उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई, इस सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो ये गलत है। आइदर, आइदर का यूज़ दो चीज़ों के लिए होता है कि या तो ये या वो, तो यहाँ पे दो चीज़ें तो दी हुई है ही नहीं कि या तो बिल पे नहीं करेगा या उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, ऐसा कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो यहाँ पे आइदर का भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अनलेस, देखो अनलेस का मतलब क्या निकलता है कि यदि नहीं, ठीक है, कि यदि वह अपनी, अब देखो यहाँ पे अनलेस का यूज़ हो सकता है, लेकिन अनलेस का यूज़ यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनलेस क्या बताता है, अनलेस फ्यूचर चीज़ों को बताता है, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, और यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का है, कि उसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे, एज़ का। एज़ का मतलब क्या होता है, चूँकि, क्या होता है, चूँकि, कि चूँकि उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल पे नहीं किया इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द लीडर इज फुलिश एंड डिसऑनेस्ट, पीपल वोट फॉर हिम। दो का मतलब क्या है, यद्यपि, यद्यपि लीडर जो है वो फुलिश है, बेवकूफ है और डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, लोगों ने उसे वोट, लोग उसे वोट करते हैं, ठीक है, लोग उसे फिर भी वोट करते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, आपको यहाँ पे पूरे सेंटेंस को जमाने की या उसका मीनिंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल कुछ सेंटेंसेस, कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो पेयर में यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था कि दो जो है, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, तो दो के साथ क्या आना चाहिए, किस चीज़ का पेयर बनता है, कौन से कंजंक्शन का पेयर बनता है, दो के साथ बट का पेयर बनता है, स्टील का, हाउ एवर का या यट का, तो आपको पता है कि दो और ऑल दो दोनों के ही साथ हम यट का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और जैसे आपने दो देखा, यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस समझ कर उसका मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जल्दी से यट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर रॉय इज़ इल, ही हैज़ नॉट कम। मिस्टर रॉय जो है वो बीमार है, वह नहीं आ पाए, ठीक है, या वह नहीं आए हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे किसका यूज़ होगा, हैंस, एंड, देयर फोर या बिकॉज। देखिए, हैंस का मतलब होता है, हैंस का मतलब होता है अतएव, ठीक है, तो यहाँ पे हम हैंस का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हैंस का यूज़ कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस में होता है, और हैंस का यूज़ कहाँ होता है वो मैं आपको जब मैंने एडवर्ब समझाई थी तो उसमें समझा चुकी हूँ। तो क्योंकि हैंस क्या है, हैंस एडवर्ब का काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हैंस का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है एंड, मिस्टर रॉय इज़ इल एंड ही हैज़ नॉट कम, कि मिस्टर रॉय बीमार थे और वो नहीं आ पाए, तो यहाँ पे एंड का यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि एंड हमेशा दो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक है, तो एंड का यूज़ भी हम नहीं करेंगे। बिकॉज़ बताता है क्योंकि, कि मिस्टर रॉय जो है वह बीमार थे क्योंकि वह नहीं आ पाए, तो क्या वह नहीं आ पाए इसलिए बीमार थे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, तो मिस्टर रॉय बीमार हैं इसलिए वो नहीं आए हैं, ठीक है, देयर फोर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब, यू वियर अ सूट एंड अ टाई। इसमें भी आपको यहाँ पर, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू वॉन्ट बी अलाउड टू द पार्ट, सॉरी, यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब, यू वियर अ सूट एंड अ टाई। बताइए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इन चारों में से, अनलेस,
नाइदर, वीदर या अपार्ट। सही ऑप्शन क्या है? देखिए यहाँ पर ये देखते हैं हम, फर्स्ट देखिए नाइदर। देखिए नाइदर का यूज़ कहाँ किया जाता है? नाइदर का यूज़ किया जाता है दो चीज़ों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन की बात की नहीं जा रही है कि या तो ये करो, या अगर ऐसा होता ना या तो सूट पहन लो या टाई पहन लो तो वहाँ पे नाइदर का यूज़ होता, लेकिन यहाँ पे सूट और टाई दोनों ही पहनना है तो यहाँ पे हम नाइदर का यूज़ नहीं करेंगे। वीदर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? जहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं, वीदर के साथ और का यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अपार्ट जो है, अपार्ट का यूज़ इसके अलावा, उसके लिए करते हैं कि इसके अलावा तुम कुछ भी पहन लो ये, तो यहाँ पे इसका यूज़ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यूज़ किसका होगा? अनलेस का। अनलेस का क्यों? देखिए यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब, आपको क्लब में अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस यू वियर अ सूट एंड अ टाई, कि जब तक तुम कोई सूट, अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। ठीक है, अनलेस का मतलब मैं कल आपको समझा चुकी हूँ, इसके यूजेस भी समझा चुकी हूँ। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, कि जब तक तुम एक सूट और टाई नहीं पहन लेते तुमको क्लब में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ किसका करेंगे हम? हमारा ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको 10 टेस्ट जिनमें 1500 क्वेश्चंस हैं, 1500 प्रश्न हैं, 1500 से भी ज़्यादा, 1500 अबव क्वेश्चंस हैं, वो आपको ओनली मिल रहे हैं 100 रुपीज़ में। कितने? सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। उनमें 10 टेस्ट हैं इंग्लिश वालों के लिए और 10 टेस्ट हैं संस्कृत वालों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब वीडियो शुरू हुआ था उससे पहले आपको बताया था कि आपको 400 रुपीज़ में हम लोग 80 टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो 80 टेस्ट में सारे ही सब्जेक्ट के टेस्ट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या संस्कृत के चाहिए, तो वो टेस्ट आपको 10 टेस्ट मात्र मिल रहे हैं 100 रुपये में। आप वो भी परचेस कर सकते हैं, और आप उसके लिए भी हमारी जो वेबसाइट है www.psc.com को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही टेस्ट आपको हिंदी में अवेलेबल, मतलब इंग्लिश के टेस्ट जो है वो आपको इंग्लिश में, और संस्कृत के टेस्ट आपको संस्कृत में अवेलेबल हैं, जिनमें 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं वो सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यू लाइक इट और नॉट ही विल स्पीक द ट्रूथ। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? डोंट यू लाइक इट और नॉट, डू यू लाइक इट और नॉट, वीदर यू लाइक इट और नॉट, ऑल्सो यू लाइक इट और नॉट। बताइए यहाँ पर, देखिए आप जब भी सेंटेंस देखें ना तो उसमें आप ये चीज़ पहले देख लिया कीजिए कि इसमें इसके अलावा ये जो चार दिए हुए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनके अलावा और कोई कंजंक्शन है क्या सेंटेंस में? तो यस, यहाँ पे एक और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या है? और। ठीक है, तो यहाँ पे और दिया हुआ है, तो हम और के साथ जोड़े में हमेशा किसका यूज़ करते हैं? वीदर का यूज़ करते हैं, तो वीदर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। कि तुम्हें पसंद हो या ना हो वह सच बोलेगा। ठीक है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो वह सच बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? वीदर का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिगेन, यहाँ पे इस थोड़ा सा मिसिंग है इसका पार्ट, इट बिगेन रेन। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस ये है कि नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड, कि जैसे ही हम रोड पर गए, ठीक है, जैसे ही हम रोड पर गए क्या हुआ? जैसे ही हम रोड पर गए बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नो सून, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेन, देन, THEN, देन या बट। नो सूनर के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है? देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो नो सूनर का यूज़ किया है, नो सूनर के बाद मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि नो सूनर के डायरेक्ट बाद हम किसका यूज़ करते हैं? जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज़ यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे डिड का ही यूज़ क्यों हुआ, हेड का यूज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेड के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो जब भी आप यहाँ पे थर्ड, अगर यहाँ पे गोन होता ना तो यहाँ पे हम हेड का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे गो है इसलिए हमने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिगेन रेन। तो यहाँ पे बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आएगा THEN, देन। ठीक है, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा THEN, देन का यूज़ किया जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
वी मस्ट लीव अर्ली, वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट. हमें जल्दी ही चलना चाहिए. लीव का मतलब कि घर छोड़कर वहाँ जाना चाहिए जहाँ भी हम जाने वाले हैं. वी मस्ट लीव अर्ली, हमें जल्दी ही चलना चाहिए या जल्दी ही जाना चाहिए. वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट, वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी. जहाँ पे भी हम मान लो कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई भी अच्छी जगह जा रहे हैं कुछ भी देखने, ठीक है, तो वहाँ पे हमें अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी. तो बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए. हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, ठीक है. तो वी मस्ट लीव अर्ली कि हमें जल्दी चलना चाहिए, फिर भी हमें गुड सीट नहीं, अच्छी सीट नहीं मिलेगी. मोर ओवर का मतलब होता है के अलावा. तो हमें जल्दी चलना चाहिए वरना इसके, हाँ, तो इसके अलावा हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी. थर्ड, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना या अन्यथा. हमें जल्दी चलना चाहिए अन्यथा हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी. और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं. तो हमें जल्दी चलना चाहिए जब तक हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी. क्या आना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. योर सिस्टर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, यू वर मिसिंग. तुम्हारी सिस्टर क्लास में प्रेजेंट थी, तुम मिसिंग थे. मिसिंग मतलब कि गायब थे. तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा? एंड यू वर मिसिंग, स्टिल यू वर मिसिंग, दैट यू वर मिसिंग, या बट यू वर मिसिंग. बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर आना चाहिए, एंड का यूज़ तो हम करेंगे नहीं. एंड का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एंड हमेशा दो पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, कि तुम्हारी क्लास, तुम्हारी सिस्टर जो थी वो क्लास में प्रेजेंट थी और तुम भी प्रेजेंट थे. अगर ऐसा होता कि तुम भी प्रेजेंट थे तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ करते. स्टिल का मतलब होता है कि फिर भी, ठीक है. तो तुम्हारी सिस्टर क्लास में प्रेजेंट थी फिर भी तुम मिसिंग थे. फिर भी का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है. एंड का भी यूज़ नहीं होगा. देट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देट जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में यूज़ होता है. यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं. देखिए इन दोनों को अगर हम अलग भी करेंगे ना तो भी इनके सेपरेट मीनिंग निकल रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर क्लास में प्रेजेंट थी, तुम गायब थे, ठीक है. तो हम यहाँ पे यूज़ किसका करेंगे? बट का, क्योंकि बट क्या बताता है? विरोधी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है. तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विरोधी हैं कि तुम्हारी सिस्टर तो क्लास में प्रेजेंट थी लेकिन तुम मिसिंग थे, तुम गायब थे. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? बट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. वॉक केयरफुली लेस्ट. केयरफुली मतलब कि बिल्कुल सावधानी से चलो वरना, ठीक है. लेस्ट का मतलब क्या होता है? वरना, अन्यथा, नहीं तो, ठीक है. सावधानी पूर्वक चलो वरना यू मे बी फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, या यू कैन फॉल डाउन. लेस्ट का यूज़ कल मैंने आपको बताया था. और कल ही नहीं, मैं लेस्ट का यूज़ दो से तीन टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें बता चुकी हूँ. एक तो मैं लेस्ट का यूज़ आपको बता चुकी हूँ मॉडल वर्ब्स में, ठीक है, और एक मैं बता चुकी हूँ कल कंजंक्शन में, ठीक है. तो मुझे बताइए कि यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या आना चाहिए? वॉक केयरफुली लेस्ट, यू मे बी फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, या यू कैन फॉल डाउन. तो यहाँ पे लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? क्या बताया था मैंने आपको? लेस्ट के साथ या तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया जाना चाहिए या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाना चाहिए. अगर शुड नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाना चाहिए या शुड का. तो हमारा सही ऑप्शन है शुड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो ऑप्शन ही नहीं. और दो सही ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? यू शुड फॉल डाउन, कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलो वरना तुम गिर जाओगे. तो यू शुड फॉल डाउन बिल्कुल सही ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शी फेल्ड, शी डिड नॉट रीड. वह फेल हो गई, उसने नहीं पढ़ा था. ऑल्दो, बिकॉज, एनी हाउ, व्हाइल. ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि. वह फेल हो गई यद्यपि उसने नहीं पढ़ा था. तो यद्यपि उसने नहीं पढ़ा था और फेल हो गई, तो ये तो कोई पॉजिटिव सेंटेंस ही नहीं या कोई रीज़न बताने जैसा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑल्दो नहीं आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट रीड. वह फेल हो गई क्योंकि उसने नहीं पढ़ा था. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है. एनी हाउ का मतलब होता है किसी तरह, कि वह फेल हो गई किसी तरह, उसने नहीं पढ़ा था, तो ये भी गलत है. और वाइल का मतलब होता है जबकि, कि शी फेल्ड मतलब कि वह फेल हो गई जबकि उसने नहीं पढ़ा था. तो अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, शी पास्ड, उसने कि वह पास हो गई, उसने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे हम वाइल का यूज़ कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? फेल्ड है. और क्यों फेल हो गए, इसका रीज़न बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? बिकॉज का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज स्लो, ही इज श्योर. बताइए, ही इज स्लो, ही इज श्योर.
यहाँ पे मुझे बताइए कि ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में क्या बता रहे हैं, पॉजिटिविटी बता रहे हैं, विरोधाभास बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं। वह स्लो है, स्लो का मतलब होता है कि वह धीरे है, ही श्योर, वह श्योर है। देखिए, एक तो वह धीरे चल रहा है, वह श्योर है, श्योर मतलब कि पक्का है कि वह पास हो जाएगा या कुछ भी जो भी है ना। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही स्लो, नॉर ही इज श्योर। यहाँ पे नॉर का यूज़ तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉर का यूज़ किसके साथ किया जाता है हमेशा, नाइदर के साथ, और नाइदर यहाँ पे सेंटेंस में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे नाइदर का यूज़ किया ही नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉर नहीं, नॉर का यूज़ नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो ही स्लो, ऑल्सो ही श्योर, कि वह स्लो भी है और श्योर भी है, तो ये विरोधाभास नहीं बता, ये सेंटेंस जो है दोनों ही विरोधाभास बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल्सो का यूज़ भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड ही स्लो एंड ही श्योर, वह स्लो है और श्योर है, तो ये भी गलत है, क्योंकि एंड हमेशा दो पॉजिटिव सेंटेंसेस को जोड़ता है। और यहाँ पे बट, यहाँ पे यूज़ किसका होगा, बट का, कि वह स्लो है लेकिन वह श्योर है। ठीक है, वह स्लो है लेकिन वह श्योर है, तो यूज़ किसका किया जाएगा यहाँ पे, बट का, कि वह धीरे चल रहा है लेकिन वह श्योर है अपनी जीत के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये हमारा लास्ट सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाय द बुक। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट बाय द बुक, ऑल दो आई हैव, यद्यपि मेरे, देखिए ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं है मैं बुक नहीं खरीद सकता। दो, दो का भी वही मतलब होता है, यद्यपि, यद्यपि मेरे पास पैसे नहीं है मैं बुक नहीं खरीद सकता। ठीक है, सिंस, सिंस का मतलब होता है चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं बुक नहीं खरीद सकता। अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, जब तक मैं, जब तक मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो, अनलेस का यूज़ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नो आ गया है, और जिस सेंटेंस में नॉट रहेगा वहाँ पे अनलेस का यूज़ नहीं होगा या फिर नॉट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अनलेस का यूज़ यहाँ नहीं हो सकता, ऑल दो और दो का यूज़ भी नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस में येट नहीं आया है। तो यूज़ किसका करेंगे हम यहाँ पे, सिंस का। सिंस का मतलब क्या है, चूंकि, चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं बुक नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैं वापस, जो फ्रेंड्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं या जो वीडियो लेट देख रहे हैं, मैं उनको वापस बता दूं कि हमारी टीम ने आपके लिए टोटल 80 ऑनलाइन टेस्ट की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें आज, जिसको आप हमारी जो वेबसाइट है www.psc.com पर विजिट करके आप देख सकते हैं। उनमें से आपको एक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, उसकी क्वालिटी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो देखिए, आप उसमें से कितने मार्क्स ला सकते हैं वो देखिए, उसके बाद आप इनको परचेस कर सकते हैं मात्र 400 रुपीज़ में। आप अगर मार्केट से भी परचेस करते हैं ना बुक, तो उस, वो भी आपको इतने में ही आएगी, और फिर उसमें से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उनके आंसर देखने पड़ेंगे उसमें आपको। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट खरीदने के फ़ायदे ये हैं कि आपको साथ के साथ आंसर मिलते जाते हैं, और आपके कितने मार्क्स आए हैं आपको काउंट वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, आपको मार्क्स वगैरह सब कुछ काउंट किए हुए ही मिलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये टेस्ट परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप, हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पे भी, हमारा चैनल बना हुआ है पीएससी अड्डा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप हमारा चैनल जो है पीएससी अड्डा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से जो कुछ टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन हम वीडियो के माध्यम से भी देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।